देश भर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रशासन से सभी मेरे संबंधित मेरे सहयोगी मंत्रीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2 वर्ष बाद कोरोना जैसी महामारी पर एक प्रकार से प्रभावी अंकुश तात्कालिक दृष्टि लगाने के बाद हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश की अपनी इस भावी पीढ़ी नौनिहाल बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सब का मैं स्कूल चलो अभियान के अवसर पर हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब ने विगत 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए व्यतीत किए। कोरोना में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जान भी और जहान भी बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। हर एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की गई। समाज के प्रत्येक तबके ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि भारत किसी भी संकट के समय अपने नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। भारत का कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। कारण है क्योंकि पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। जिन देशों के पास भारत से अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वे देश बड़े पैमाने पर मौतों को रोक नहीं पाई कोरोना से, लेकिन भारत सफल रहा। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को, मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को खोया है। लेकिन हम लोग एक महामारी का सामना कर रहे हैं और भाइयों बहनों, इस महामारी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई। उस सब के बावजूद जब समाज खड़ा हो जाता है, नेतृत्व के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ता है, तो उसका परिणाम भी हमारे सामने उसी रूप में देखने को मिलता है। आज हम सब यहां पर फिर से 2 वर्ष के बाद स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए 2020 में, अप्रैल 2020 में इस समय लॉकडाउन था, सारी गतिविधियां बंद थी, पूरी तरह गतिविधियां ठप सी हो गई थी और ये लगातार अगले 2-3 महीनों तक चलता रहा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की स्थिति पर हम जब चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य और 25 करोड़ की आबादी के राज्य में आज के दिन पर नाम मात्र के कोरोना के एक्टिव केस ही बचे हुए हैं। सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं, 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं, जिन लोगों के काम धंधे प्रभावित हुए फ्री में राशन की व्यवस्था उनके लिए एक बार नहीं डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है।
प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और उन्हीं स्थितियों में कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तकनीक का भी प्रयोग किया गया, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। आज प्रदेश सरकार स्नातक परास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है, लेकिन हम सबको शिक्षा की सबसे बेसिक यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है बेसिक शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो दो वर्ष के अंदर स्कूल का मुंह न देखे हों और अब स्कूल जाने में उनको थोड़ा आलस आ रही हो, और इसलिए तय किया गया कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने ना पाए, इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, शिक्षा यह एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। शिक्षा ही वास्तव में प्रत्येक नागरिक को एक सही दिशा दे सकती है। हर एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधारशिला खड़ी कर सकती है। और याद रखना, जब व्यक्ति सक्षम होगा तो समाज भी सक्षम होगा, और समाज सक्षम होगा तो राष्ट्र स्वयं ही सशक्त होता हुआ दिखाई देगा। और राष्ट्र की आधारभूत सक्षम होने के लिए जिस एक प्रयास की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है कि हम हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षित करें। यह न केवल हमारा नैतिक दायित्व है बल्कि हमारा यह राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए हमें हर एक बच्चे को शिक्षित करना होगा। और शिक्षित करने के लिए आवश्यक है हम उसे स्कूल भेजें, स्कूल लेकर के आए। इसके लिए मैं आह्वान करूंगा प्रदेश भर की सभी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रधानाचार्य शिक्षक और इस विभाग से जुड़े हुए अन्य कर्मी हैं, उन सब से मैं इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे तो इस अभियान का हिस्सा बने ही, ग्राम पंचायत और नगर निकाय में जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से भी मैं इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले एक महीने के अंदर चलने वाले इस अभियान के क्रम में घर घर जाकर के एक एक घर में दस्तक दीजिए और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो या रह रहा हो, उसको स्कूल ले जाना, नजदीक के स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, उस बच्चे को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से उसे आच्छादित करने की तैयारी करना। इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम जोड़ते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को एक साथ आगे बढ़ाते हैं तो भाइयों बहनों इससे बढ़कर के पवित्र कार्य दूसरा हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भगवत गीता भी तो यही कहती है कि किसी को ज्ञानवान बना देना ही ये जीवन का सबसे पवित्र कार्य है, और इसका आधार कोई बन सकता है तो शिक्षा बनेगी, शिक्षा। और इसीलिए स्कूल चलो अभियान 2017 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था। जुलाई 2017 में जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उस समय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,34,00,000 बच्चे अध्ययन कर रहे थे। वे आते थे, स्कूल में आने का समय नहीं था, कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। पीपल और बरगद के पेड़ भले ही जमीन पे नहीं उगे हों लेकिन विद्यालय भवनों पर जरूर उगे हुए होते दिखाई देते थे। क्लास की स्थिति खराब थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, मिड डे मील की कोई पुरसाहल नहीं था, एक प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देखने को मिलता था। स्कूल आने वालों की संख्या कम, छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब
लगातार 3 वर्ष तक स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम अभियान प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा, तो मात्र 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,80,00,000 बच्चे इन्हीं विद्यालयों के में अपना नामांकन करा करके वहां पर अध्ययन के साथ जुड़े और उस बेसिक शिक्षा परिषद के साथ जुड़ करके शिक्षा की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने में अभिभावकों ने अपना योगदान दिया, तो बच्चों ने आकर के इन स्कूलों को फिर से एक बार यहां की रौनक को बढ़ाने का काम भी किया। इस दौरान प्रयास हुए, हमने हर बच्चे को बैग, बुक्स, 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य किया, लेकिन साथ ही साथ ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, पुरातन छात्रों ने, समाज के जागरूक नागरिकों ने, सबने मिलकर के एक अभियान प्रारंभ किया। और वह अभियान था जिसमें एक एक विद्यालय गोद लेकर के और उन विद्यालयों में अच्छी फ्लोरिंग बना देना, साफ सफाई की व्यवस्था कर देना, वॉल पेंटिंग की व्यवस्था करना, वहां पर बच्चों के लिए जो भी अन्य रोचक कार्य हो सकते हैं, सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, वहां पर विद्युत की आपूर्ति हो सके इसके लिए भी प्रयास प्रारंभ हुए, फर्नीचर देने के कार्य प्रारंभ हुए। मुझे स्वयं जब एक विधायक के रूप में जो विधायक निधि मिली, तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हर विद्यालय में फर्नीचर देने का काम किया, जिससे वहां पर हर बच्चा आकर के स्कूल में फर्नीचर में बैठ सके, कुर्सी मेज में बैठ सके, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पर उनके लिए देने का कार्य हुआ। मिड डे मील के स्तर को सुधारने का कार्य हुआ और देखते ही देखते 1,58,000 जो विद्यालय थे बेसिक शिक्षा परिषद के, इनमें से 90,000 से अधिक विद्यालयों में ये सभी प्रकार की सुविधाओं से इसे आच्छादित करने का कार्य हुआ। आज बढ़कर के 1,34,000 तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे विद्यालय हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ना है, और इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। मैं प्रदेश भर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, चेयरमैन, पार्षद, ग्राम प्रधान, पुरातन छात्र, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, सबसे मैं इस बारे में अपील करूंगा, वे एक एक विद्यालय फिर से गोद लें। जो विद्यालय पिछली बार छूट गए थे, उनमें से एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करते हुए अपने वर्तमान यानी भावी पीढ़ी के वर्तमान को सुधारने की दिशा में हम प्रयास करेंगे, तो वह आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे पाएगा। और इस दिशा में मैं अपील करूंगा कि एक एक विद्यालय गोद लेकर के इस कार्यक्रम को वे सभी लोग स्कूली शिक्षा के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े। भाइयों बहनों, हम लोग देश के सबसे बड़े राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद में जितने हमारे यहां बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के अंदर तमाम राज्यों की उतनी आबादी नहीं है और दुनिया के अंदर तमाम देशों की भी उतनी आबादी नहीं है, लेकिन हमें अपने प्रदेश के इन बच्चों की प्रतिभा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, इन्हें उचित माहौल देना चाहिए। कोई स्मार्ट क्लास लगा सकता है, कोई इन बच्चों के लिए वहां पर फर्नीचर की व्यवस्था में योगदान दे सकता है, कोई लाइब्रेरी को बनाने में योगदान दे सकता है। हमने पाठ्यक्रम में भी आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को बेसिक शिक्षा में लागू करने, साथ साथ महापुरुषों की जीवनी को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया। और जब मैंने स्वयं इस आकांक्षात्मक जनपद श्रावस्ती से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का निर्णय लिया, तो इसके पीछे का कारण भी था। एक
आकांक्षात्मक जनपद है, और भाइयों बहनों दूसरा श्रावस्ती भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जनपद भी है। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक आध्यात्मिक साधना के चातुर्मास इसी जनपद में व्यतीत किए थे। भगवान बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो और स्वयं ही हमें अपने आप को पहचानने की ताकत अर्जित करनी पड़ेगी। और मैं अपील करूंगा प्रदेश भर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, उद्योगपतियों से, सुधी जनों से कि वे लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ करके ऑपरेशन कायाकल्प में एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उसे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, जिससे प्रदेश भर के सभी विद्यालयों को और वहां पर अध्ययन कर रहे सभी बच्चों के लिए हम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे सकें। आज जब सरकार ये सभी प्रकार की सुविधाएं दे रही है, मेरी सभी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं या फिर ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक गण हैं, अन्य कर्मी हैं, इन सब से मेरा आग्रह होगा वे अब सुनिश्चित करें अब जब हम लोग यूनिफॉर्म के पैसे, बैग और बुक्स के पैसे, स्वेटर जूते मोजे के पैसे डीबिट के माध्यम से उन बच्चों के अकाउंट में देने का कार्य कर, उन बच्चों अभिभावकों के अकाउंट में देने का कार्य कर रहे हैं, तो हमारा एक प्रयास होना चाहिए हम ये सुनिश्चित करें एक समय सीमा के अंदर सभी बच्चों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये जो भी आनी है अभिभावक इसको खरीदने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दे। ऐसा ना हो कि पैसा गया और बच्चा बिना यूनिफॉर्म के स्कूल आ रहा है। दूसरा, स्कूल में केवल पठन पाठन के साथ ही अगर हम उस बच्चे को खेलकूद की गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, उस बच्चे को किसी रचनात्मक गतिविधि के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है शिक्षा का एक ही पक्ष फिर हम पूरा कर रहे हैं। उस बच्चे के सर्वांगीण विकास की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। मैं प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपदों में जाता हूं और जिन भी जनपदों में जाता हूं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मैं अक्सर जाता हूं, क्योंकि बेसिक शिक्षा शिक्षा की आधारभूत इकाई है। अगर ये शिक्षा मजबूत होगी तो शेष अन्य शिक्षा अपने आप ही मजबूत होती हुई दिखाई देगी। और इसलिए जब मैं जाता हूं, मैंने देखा है 2017 के पहले जिन विद्यालयों में कोई सुविधा नहीं थी, 2017 के बाद स्मार्ट क्लास दी, स्मार्ट क्लास में वहां के बच्चे इतने पारंगत हुए कि उन बच्चों को देखते ही देखते ये चीजें दिखाती थी, पहले सुविधा नहीं थी, वे बच्चे इन सुविधाओं से वंचित रहते थे, उनको नहीं पता था कैसे ये ऑपरेशन होना है, कैसे इसको हम आगे बढ़ाने क्रियाशील कैसे इसको करना है। लेकिन आज वह जब उन बच्चों को इसका प्रशिक्षण दिया गया तो अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित होते हुए दिखाई दिए हैं। हमारा यह प्रयास होना चाहिए, इस पवित्र कार्य के साथ हम जुड़े हैं तो इस पवित्र कार्य को हम उतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज बासंतिक नवरात्रि का तृतीया है, यानी आज जगत जननी मां भगवती की पूजा तीसरे दिन भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे देश के अंदर इस अनुष्ठान के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और आप नवरात्रि के इस पावन आयोजन के अवसर पर स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, यह भी जगत जननी मां भगवती के प्रति हमारी श्रद्धा का ही प्रतीक है, क्योंकि शिक्षा की देवी मां सरस्वती को भी तो हम देवी के रूप में पूजते हैं, और उस रूप में अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो भाइयों बहनों इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना अपने आप में एक पवित्रता की एक नई मिसाल हम प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार फिर से स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़े हुए प्रदेश भर के सभी जितने भी हमारे स्कूल
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं, इन सभी को मैं आह्वान करूंगा कि अगले एक माह के अंदर जो आपके सामने लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा छूटने न पाए, कोई भी हो, वह स्थायी हो या प्रवासी हो, यहां तक कि अगर कोई कामगार, प्रवासी कामगार और श्रमिक भी यहां पर यूपी में आकर के काम कर रहा है और वह कुछ ही दिन के लिए आया है, 4 महीने 6 महीने के लिए आया है, तो भी हम उसका प्रवेश, उनके बच्चों को प्रवेश जरूर करवा लें। 3 से 5 साल तक के बच्चों को मिनी आंगनवाड़ी में प्री प्राइमरी के रूप में से आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमें आगे बढ़ा देनी चाहिए, और 5 साल से ऊपर के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जाएं और स्कूलों में जा करके वहां पर पठन पाठन के साथ जुड़े, अक्षर ज्ञान के साथ जुड़े, अपने भविष्य को संवारने का कार्य करें। उन बच्चों के लिए उस प्रकार का माहौल देना, ये बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ साथ पूरा विभाग इसके साथ जुड़े और पूरा समाज उनके सहयोग के लिए अगर खड़ा होगा तो देखते ही देखते बेसिक शिक्षा परिषद की पूरी कायाकल्प होती हुई दिखाई देगी। ये कायाकल्प केवल बेसिक शिक्षा की नहीं होगी, पूरी शिक्षा व्यवस्था की होगी, और इससे होने वाले जो एक व्यापक परिवर्तन होंगे, इसका लाभ समाज और पूरे देश को लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से हर बच्चे को स्कूल भेजना है, यह संकल्प हमारा होना चाहिए। कोई बच्चा छूटने ना पाए, यह संकल्प हमारा होना चाहिए। दूसरा, ऑपरेशन कायाकल्प में हर जन प्रतिनिधि एक एक विद्यालय गोद लेकर के इस पवित्र कार्य के साथ जुड़े, जिसमें उस विद्यालय, जो बचे हुए विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भी हम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें, उनकी फ्लोरिंग को ठीक करना, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाने की कार्रवाई अलग करना बनाना, पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना, फर्नीचर की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी हम वहां उपलब्ध करवाने का कार्य करें, सोलर पैनल की व्यवस्था हो, ये सभी चीजें अगर हम वहां उपलब्ध करवाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सभी विद्यालय न केवल उसके साथ आगे बढ़ेंगे बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद का पूरा कायाकल्प होता हुआ दिखाई देगा, और यह लोगों के लिए व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा जो प्रदेश के विकास को एक द्रुत गति से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। और साथ साथ मेरा आह्वान होगा कि जो भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा, प्रधानाचार्य प्रतिदिन इसकी समीक्षा करें, कौन बच्चे आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों की रिपोर्ट कार्ड से साल में कम से कम 3 से 4 बार अभिभावकों के साथ बैठक करना, उनके साथ संगोष्ठी करना, उनके साथ बैठक करना, 4 बार कम से कम उनके साथ बैठे, हर तीसरे महीने अभिभावकों के साथ एक बैठक जरूर हो। यह विद्यालय का जो समय है उसके बाद या उससे पहले आप करें, या रविवार के दिन करें। कक्षा का जो टीचर है, कम से कम कक्षा अध्यापक सप्ताह में एक बार जिस ग्राम पंचायत में उन बच्चों को पढ़ा रहा, उस ग्राम पंचायत में जाकर के एक एक अभिभावक के साथ जरूर बातचीत करें, बच्चे के बारे में सकारात्मक रूप से उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, अभिभावक को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। यह क्रम अगर आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि आपको इसका यश भी प्राप्त होगा, आप यह न केवल बेसिक शिक्षा परिषद की प्रगति का आधार बनेगा बल्कि आपके जीवन को भी यशस्वी बनाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एक बार फिर से नियमित समीक्षा इस बात की भी कि डीबीटी के माध्यम से जिन बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में पैसा चला गया है उसकी सूची लेकर के यह सुनिश्चित करना कि उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म समय पे बन जाए, बच्चे अपने निर्धारित यूनिफॉर्म में स्कूल आए, बैग बुक्स है, जूते मोजे हैं, सर्दियों में स्वेटर है, ये सभी उन बच्चों को उपलब्ध हो और समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकेंगे। एक बार फिर से यहां पर बेसिक शिक्षा विभाग को अंतर विभागीय समन्वय के साथ आगे बढ़ने की कार्रवाई को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा, जिसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, बाल विकास और पुष्टाहार, इन सभी विभागों को आगे बढ़ाना, एक साथ जोड़ना, यह अंतर विभागीय समन्वय में बड़ी ताकत है।
हमारा प्रयास होना चाहिए हर विद्यालय के पास अपना खेल का मैदान हो, हर विद्यालय के पास अपनी रचनात्मक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए उचित माहौल हो, हर विद्यालय के पास पेयजल की पाइप, पेयजल की अपनी सुविधा हो, हर विद्यालय के पास अच्छा पाठ्यक्रम हो और समय समय पर शिक्षकों के रिफ्रेशर कोर्स भी होते रहें, समय के अनुरूप हम अपने आप को ढाल सकें, तकनीक से हम आच्छादित हो सकें। हमने प्रेरणा ऐप और दीक्षा ऐप बनाया था, उस ऐप के साथ जुड़ करके तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करना। अगर भविष्य में कभी कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो उस समय भी हमारे स्कूली बच्चे कहीं भी शिक्षा से वंचित न होने पाए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम उनको तैयार कर सके, हमारी स्मार्ट क्लासेस तैयार रहे, हम उनके स्मार्टफोन पर या उनके अभिभावक के उनके घर में जो LED होगा या उनके घर में जो टेलीविजन होगा उसके माध्यम से इस पाठ्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर सकें। हमें तकनीक को इतनी विकसित करनी होगी, इस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मेरा विश्वास है एक बार अगर सामूहिक रूप से हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएंगे, कोई कारण नहीं कि कार्य संभव न हो, हर कार्य संभव हो सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसको और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं एक बार फिर से बेसिक शिक्षा परिषद को स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासकीय स्तर पर भी हर सप्ताह इसकी समीक्षा हो कि कितने बच्चे अपना नामांकन कराए हैं और कितने अभिभावकों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और हम मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के सभी बच्चों को जो नौनिहाल बच्चे हैं, एक से लेकर आठवीं तक की क्लास में जिनका प्रवेश होना है, इन सभी बच्चों को आज मैं एक बार फिर से हृदय से स्कूल चलो अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन्हें नवरात्रि की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब तीखी जांच वाला फॉर्च्यून कच्ची घनी